हेलो फ्रेंड्स, सोमास टेस्टी रेसिपीज़ में आप सबको स्वागत है। आज मैं चिकन 65 की रेसिपी लेकर आई हूं, लेकिन वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरे सब अपडेट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है इस टेस्टी रेसिपी में। ले लिया मैंने बोनलेस चिकन, थोड़ा पतला पतला करके कट लिया। ले लिया है राइस फ्लोर, ले लिया है कॉर्न फ्लोर, अदरक लहसुन पेस्ट, ले लिया है करी पत्ता और स्लाइस्ड ग्रीन चिली, ले लिया है रेड चिली सॉस, ले लिया है एक रॉ अंडा, और सूखे मसाले में चाहिए हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और बारीक कटी हुई लहसुन। अब मैंने चिकन को मैरिनेट करूँगी, इसीलिए पहले नमक डाल दिया। नमक और मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डालना होगा। और डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, डाल देंगे सभी सूखे मसाले, और बारीक कटी हुई लहसुन को हम रहने देंगे, बाद में यूज़ करने के कर लेंगे। आप डाल देंगे राइस फ्लोर। अब हाथों से अच्छी तरह कोट कर लेंगे, स्पैटुला से इतनी अच्छी कोटिंग नहीं होगा, इसीलिए हाथ की मदद से करना अच्छा होगा। देखिए बहुत अच्छे कोट हो रहे हैं। अब मैंने कॉर्नफ्लोर को भी डाल देंगे और फिर से अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए चिकन में मसाले अच्छी तरह कोट हो गए हैं। अब मैंने अंडे को ब्लेंड कर लेंगे और उसी में डाल देंगे। फिर से हाथों से अच्छी तरह मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए बहुत अच्छे कोटिंग हो गए हैं, मसाले सब अंदर जा पाए, इसीलिए मैंने रेस्ट कर लिया। 15 मिनट हो गए हैं। आप डीप फ्राई के लिए, मैं ओवन में एक पैन चढ़ा के तेल ले लिया और तेल को हाई फ्लेम में पहले गरम कर लिया। अब चिकन को हम डाल देंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम में अभी फ्राई होगा, पहले हाई बाद में मीडियम फ्लेम याद रखना होगा। बीच बीच में पलट देना होगा। देखिए बहुत ही अच्छे कलर आ रहे हैं। देखिए फ्राई हो गए चिकन। अब मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चिकन को ट्रांसफ़र कर लिया, बाकी के चिकन भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। आप दूसरे एक पैन ले लिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने दिया और हम लहसुन को डाल देंगे, साथ में हरी मिर्ची और करी पत्ता और रेड चिली भी डाल देंगे और अच्छी तरह एक दो मिनट मीडियम फ्लेम में हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने रेड चिली सॉस को डाल दिया और थोड़ा सा पानी ऐड किया।
थोड़ा सा कम लग रहा है रेड चिली सॉस, इसी में मैं थोड़ा सा और रेड चिली सॉस ऐड किया और उबलने दिया। देखिए अच्छी तरह उबल आ चुके हैं। अब मैंने चिकन को मिला लेंगे जल्दी से थोड़ा सा हाई फ्लेम में। चिकन 65 हमारे एकदम रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप लंच और डिनर के पहले स्टार्टर के रूप में परोस सकते हैं या स्नैक्स के रूप में भी परोस सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। लौट आएंगे जल्दी से एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।